दोस्तों मिसाइलें एक देश की मिलिट्री के लिए डिफेंस और अटैक दोनों तरह के कामों को अंजाम दे सकती हैं। यह जंग के दौरान दुश्मन की इनकमिंग हवाई हमले को ही हवा में ध्वस्त कर अपनी सोल्जर्स की कैजुअलिटी को भी कम कर सकती है। तो वहीं बिना अपने सोल्जर्स की जान जोखिम में डाले यह दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले भी कर सकती है। इसलिए तो आज दुनिया की काफी सारे देश अपनी अपनी फौज के लिए शॉर्ट से लेकर मीडियम और लॉन्ग रेंज तक की ही एंटी टैंक, एंटी शिप और एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एंटी रेडिएशन व बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर देने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ देश तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण की भी बेहद करीब पहुँच चुके हैं। अब इन डेडली मिसाइलों को हासिल करने की इस रेस में कौन सा देश किस पोजीशन पर है, यह जानने के लिए इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 10 सबसे खतरनाक, सटीक और बेहतरीन विध्वंसक से लैस मिसाइलों रखने वाले देश की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, अबाबिल किस देश की मिसाइल है, ईरान या पाकिस्तान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है रसिया, जिनके पास सोवियत यूनियन के समय की हजारों मिसाइलों मौजूद हैं। इनमें हजारों न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। इनके अलावा रसिया लंबे समय से ही अपने इन मिसाइलों की तकनीक को और भी ज्यादा अपग्रेड करते हुए इन्हें ज्यादा तेज, सटीक और घातक विध्वंसक क्षमता से लैस करता जा रहा है। रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और यह दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जखीरा भी रखते हैं। फिलहाल उनके पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने की ICBM भी है। RS-28 सरमट, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है, यह एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन 208 टन से भी ज्यादा है और यह ICBM 16 से 18,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला कर सकती है और यह अपने साथ एक दो नहीं बल्कि 10 से 16 अलग अलग वारहेड्स भी ले जाने में सक्षम है, जिसमें रसिया द्वारा बनाए जाने वाला हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल भी शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए लंबे समय से ही उनकी हर एक मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए इसमें लगे हुए हैं। आज अमेरिका के पास दुनिया में ही सबसे ज्यादा अलग अलग वैरायटी की मिसाइल मौजूद है। इनके पास दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा ICBM की क्वांटिटी भी है, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स शामिल हैं। यह दुनिया भर को अपनी मिसाइल बेचते हैं, वह कई अमेरिकन मित्र देश में इनकी मिसाइल तैनात रहती है। उनकी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल LGM-30G माइनटमैन, जो कि 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और यह अपने साथ अधिकतम 10 न्यूक्लियर वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद तीसरे स्थान पर है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिनके पास साउथ चाइना सी के अपने पास अपने पड़ोसी देश भारत और अन्य विपक्षी देश के खिलाफ कन्वेंशनल वार के लिए काफी सारे मॉडर्न क्रम शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट करते हुए सबको चौंका दिया और अब यह ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी की सटीक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं, जो कि अमेरिका तक हमला कर सके। साथ ही यह दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखने वाले देश है। फिलहाल उनके पास सबसे लंबी दूरी की ICBM है डोंगफेंग 41 DF-41, जो कि 12 से 14,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और यह अपने साथ अधिकतम 10 वारहेड्स भी कैरी कर सकती है। इसके बाद चौथे स्थान पर है फ्रांस, जिनके पास कुछ लिमिटेड वैरायटी की मिसाइल मौजूद है, लेकिन उनकी तकनीक उतना ज्यादा एडवांस है कि उनकी डिमांड दुनिया भर में है। साथ ही फ्रांस के पास दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइल का जखीरा भी है। इनकी लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है M-51, जो कि 8 से 10,000 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है और एक साथ 4 से 6 MRVs भी कैरी कर सकती है। इसके बाद पांचवें स्थान पर है भारत, जिन्होंने शुरुआत में रशिया की मदद से अपनी खुद की तकनीक के दम पर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों तक का जखीरा तैयार कर लिया है। भारत की ब्रह्मोस पृथ्वी व अग्नि मिसाइल का डंका पूरी दुनिया में बसता है, जिससे भारत के दुश्मन भी थरथर कांपते हैं। भारत की लॉन्गेस्ट रेंज ICBM है Agni-5, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। साथ ही भारत इसके नेक्स्ट वेरिएंट Agni-6 का निर्माण भी कर रहा है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा भी भारत कई प्रकार की मिसाइल का निर्माण कर रहा है। इसके बाद छठे स्थान पर है इजराइल, जिन्होंने अमेरिका की मदद से काफी सारी शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल और लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण कर लिया है और इजराइल, जो कि आए दिन अपने दुश्मन देश की निशाने पर रहता है, ऐसे में इजरायली अटैक व डिफेंस मिसाइल हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और असल जंगी के दौरान यह अपनी कई बार सटीक मारक क्षमता को साबित कर चुके हैं। इजराइल की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल
इस समय जेरिको 3 है, जिसकी मारक क्षमता अधिकतम 6,500 किलोमीटर तक है, जो कि पूरे ईरान को अपने जद में ले सकती है। इसराइल की डिफेंस मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है और अमेरिका जैसे देश भी इनकी मिसाइल डिफेंस क्षमता को पाना चाहते हैं। इसके बाद सातवें स्थान पर है एक और न्यूक्लियर पावर देश पाकिस्तान, जो कि अपने मैन राइवल भारत की बढ़ती मिसाइल पावर को काउंटर करने के लिए लगातार नई नई मिसाइल चीन की मदद से बनाता जा रहा है। इनके पास मौजूद विभिन्न प्रकार की शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 3, जो कि 2700 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक हमला कर सकता है और पूरे भारत को अपने जद में ले सकती है। हालांकि भारत के पास मौजूदा अलग अलग तरह की शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान ने अब अपना फोकस मल्टी वार हेड कैरी करने वाली मिसाइल अबाबिल के एडवांसमेंट की तरफ कर लिया है। इसके बाद आठवें स्थान पर है ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डायवर्स और ह्यूज नंबर्स में मिसाइल का निर्माण कर चुका है। इन पर लगे विभिन्न प्रकार की प्रतिबंध के चलते उनकी मिसाइल टेस्ट की जानकारियां काफी सीक्रेट रहती हैं, लेकिन यह कई आतंकवादी ग्रुप व रिवियल पार्टी को लेबनान, हमास, सीरिया आदि क्षेत्रों में अपनी मिसाइल सप्लाई करते रहते हैं और यह दावा करते हैं कि उनकी मिसाइल पूरे इसराइल में कहीं पर भी हमला कर सकते। ईरान की तरह ही अगला देश है नॉर्थ कोरिया, जो कि गुप्त तरीकों से काफी सारी मिसाइल का निर्माण साउथ कोरिया व अमेरिका के खिलाफ करता जा रहा है। यह दावा करते हैं कि उनकी हांगसोंग 50 मिसाइल 13,000 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। साथ ही इन्होंने रिसेंटली हांगसोंग 17 का भी टेस्ट कर लिया था। हालांकि यह टेस्ट अपनी सटीक निशाने को अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इस मिसाइल को दुनिया की सबसे भारी और लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल बताया जाता है। और आखिर में दसवें स्थान पर हम रखते हैं यूनाइटेड किंगडम को, जो कि एक न्यूक्लियर पावर देश है, जिनके पास फिलहाल 200 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं और आगे उनकी संख्या बढ़ाने वाले हैं। वैसे यूके खुद तो ज्यादा मिसाइल का निर्माण नहीं करता, लेकिन यह यूरोपियन देशों के साथ मिलकर कई तरह की मिसाइल को अपनी मिलिट्री के लिए डेवलप करते रहते हैं। साथ ही यह अमेरिका के अलावा दूसरा ऐसा देश है जो कि अपनी सबमरीन पर अमेरिकन लॉन्ग रेंज ICBM डिफेंट D5 मिसाइलों को भी तैनात रखते हैं, जो कि अधिकतम 13,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। तो दोस्तों, यह रहे दुनिया की टॉप 10 देश जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा डेडली मिसाइल मौजूद है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।